हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनरे। आज के इस वीडियो के अंदर हम वीटीपी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्विचेस की डोमेन डायग्राम डिज़ाइन करके रखी है। इस डोमेन डायग्राम को डिज़ाइन करते वक्त मैंने क्या किया है, यहाँ पर हमारे एन डिवाइस की तरफ से मैंने यहाँ पर कुछ स्विचेस यूज़ किए हैं और वो स्विच है मेरा कैटलिस्ट स्विच 2950 सीरीज़ के। ओके, जिसके ऊपर कुल मिला के मेरे पास 24 फास्ट इथरनेट के पोर्ट से। ओके, इसी तरह से मैंने यहाँ पे कुल 5 स्विचेस कनेक्ट किए, माफ कीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 स्विचेस हैं। और इन सभी स्विचेस को इंटर कनेक्ट करते वक्त मैंने क्या किया है, एक क्रॉस केबल का इस्तेमाल किया है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हम सेम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं ना, तो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करते वक्त हमें हमेशा यहाँ पे क्रॉस केबल का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ जिस पर्टिकुलर स्विच से जो पोर्ट निकला है, मतलब मेरे स्विच 01 से कनेक्शन निकला फास्ट इथरनेट 0/1 से, और वो कनेक्ट हुआ है मेरे फास्ट इथरनेट 0/1 पे, जो कि मेरा सेकंड स्विच है, ऑफ कोर्स वो नासिक लोकेशन का ही। उसी तरह से स्विच 01 से फास्ट इथरनेट 0/2 से जो कनेक्शन निकला है, वो कनेक्ट हुआ है मेरे स्विच 3 के फास्ट इथरनेट 0/2 पे। इन अ सेम मैनर स्विच 3 से फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्शन निकला मेरे स्विच 4 के फास्ट इथरनेट 0/4 की तरफ। ओके, अब वीटीपी शुरू करने से पहले हम वीटीपी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नंबर 1, विलेंस क्रिएट करना हमने पहले देखा था। विलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, इंडिविजुअल स्विच पे जाना है, वहाँ पे विलेंस आईडी देना है, विलेन का नाम देना है, और बाद में इंडिविजुअल पोर्ट्स को वहाँ पे ट्रांसफर करना है। ओके, तो मान लो आप एक कंपनी के लिए हैवी ड्यूटी नेटवर्क इंजीनियर की तरह काम कर रहे हो, जहाँ पे आपके पास कुल मिला के 4 या 5 स्विचेस है, और आपको हर एक स्विचेस के ऊपर इंडिविजुअली विलेंस को मैनेज करना है। मतलब क्या, आप पहले स्विच पे जाओगे, वहाँ पे कुछ विलेंस क्रिएट करोगे। मान लो आपने वहाँ पे 3 विलेंस बनाए, बाद में आप स्विच 2 पे आ गए, वहाँ पे भी 3 विलेंस बना लिए, स्विच 3 पे आ गए, स्विच 2 पे आ गए, स्विच 4 पे आ गए, जितने भी स्विचेस है हर स्विचेस पर आपने इंडिविजुअली विलेंस क्रिएट कर दिए। देखा जाए तो ये जितना सुनने में लेंदी लग रहा है ना, उतना करने में भी लेंदी होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक स्विच फर्स्ट फ्लोर पे होगा, तो दूसरा स्विच हो सकता है आपके सेकंड फ्लोर पे हो, तीसरा स्विच आपके थर्ड फ्लोर पे, और चौथा स्विच आपके फोर्थ फ्लोर पे। मतलब आपको फ्लोर टू फ्लोर, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाके मैन्युअली उन पर्टिकुलर स्विचेस को मैनेज करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी हेक्टिक का काम था। तो क्यों ना कुछ ऐसी टेक्निक निकाले जाए जिससे आप एक स्विच पे बैठे बैठे सभी के सभी स्विचेस को मैनेज कर सकते हो। तो आप सोचो कि वहाँ पे हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे, टेलनेट से एक्सेस करेंगे, नहीं, यहाँ पे मैं टेलनेट और किसी तरह के टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करने वाला। मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्विच पे बनाए गए विलेंस ऑटोमेटिकली सभी स्विचेस के ऊपर आ जाए, तो इसके लिए आपके वीटीपी ने सपोर्ट किया है। तो VTP का मतलब VLAN Trunking Protocol, जिससे क्या होगा, एक स्विचेस पे क्रिएट गई VLAN की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सभी स्विचेस के ऊपर ट्रांसफर होगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले VTP एस्टैब्लिश करने के लिए आपको सभी स्विचेस को एक ही डोमेन का पार्ट बनाना पड़ेगा। अब ये डोमेन होता क्या है, डोमेन हो सकता है आपके कंपनी का नाम, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ cms.edu। तो मैं जिस पर्टिकुलर स्विचेस को काम करने वाला हूँ ना, उन सभी स्विचेस को मैं एक डोमेन के अंदर रखूंगा, जिस डोमेन का नाम रहेगा मेरा cms.edu। आपके केस में ये आपके कंपनी का नाम हो सकता है। नंबर 2, VTP के यहाँ पे कुछ मोड्स हमें कॉन्फ़िगर करने हैं। VTP के बाय डिफॉल्ट 3 मोड होते हैं, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड। सर्वर मोड वो मोड होता है जहाँ पे आप VLANs बना सकते हो, VLAN डिलीट कर सकते हो, और VLANs के साथ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। देखा जाए तो जितने भी आपके स्विचेस हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सर्वर मोड पे ही काम करते हैं। मतलब सभी स्विचेस के ऊपर आप विलेंस बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो, हालांकि वो स्विचेस मैनेजेबल होने चाहिए। दूसरा जो मोड होता है वो आपका क्लाइंट मोड। देखिए, क्लाइंट मोड इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि सर्वर की तरफ, मतलब सर्वर स्विच की तरफ से आने वाली विलेंस की इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ अपडेट कर ले, ना ही वो किसी तरह के विलेंस बना पाएगा, ना ही विलेंस को डिलीट कर पाएगा, ना ही विलेंस को मॉडिफाई कर पाएगा। मतलब सर्वर से तरफ आने वाले सभी विलेंस को वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन किसी तरह के विलेंस के साथ चेंजेस नहीं कर पाएगा। तीसरा जो मोड होता है वो होता है आपका ट्रांसपेरेंट मोड। अब ट्रांसपेरेंट मोड का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो बाईपास करेगा या फिर ट्रांसफर करेगा। सो यहाँ पे एक सिनेरियो कंसीडर कीजिए कि मेरे पास ये 4 स्विचेस का जो नेटवर्क है ना, उसमें से स्विच 1, स्विच 2, स्विच 4, ये एक
कंपनी के अंदर तो है, यहाँ पे ये सभी के सभी इंडिविजुअल अपनी VLANs की इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज करेंगे। मतलब VLAN जो मैंने क्रिएट किया स्विच वन पे वो ऑटोमेटिक टू पे और फोर पे आना चाहिए, लेकिन ये जो स्विच नंबर थ्री है, इस स्विच नंबर थ्री पे किसी भी तरह की VLAN से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब VTP की इन्फॉर्मेशन आनी नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये स्विच थ्री मेरे उस सर्वर क्लाइंट नेटवर्क के अंदर मतलब स्विच जीरो और स्विच फोर के बीच में आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन बायपास तो हो सर्वर थ्री से, माफ कीजिए, बायपास तो हो हमारे स्विच थ्री से, लेकिन किसी भी तरह की VLAN की इन्फॉर्मेशन स्विच थ्री पे नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे इस स्विच को थ्री को ट्रांसपेरेंट मोड पे रखना पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंट मोड वो मोड होता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्विच सर्वर और क्लाइंट के बीच में इन्फॉर्मेशन सिर्फ बायपास करेगा लेकिन अपने अंदर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं करेगा रिलेटेड टू योर VLANs। ओके, और लास्ट और सबसे आखिरी पॉइंट, VLANs के जो अपडेट ट्रांसफ़र होते हैं ना, वो VLANs के अपडेट ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर का यूज़ होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर ही डिफाइन करेगा कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। देखा जाए तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जीरो रहा, इसका मतलब क्या कि किसी भी तरह की VLAN की इन्फॉर्मेशन ना ही वो देगा ना ही वो लेगा। ओके, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर आप देखते हो टू, मतलब जब भी आप VLANs क्रिएट करते हो ना तो ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर दो से बढ़ने वाला है। तो जब कभी भी आपको VLANs बनाने पड़ा तो ये VLAN कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर दो से इंक्रीज होगा, जब कभी आप VLANs डिलीट करते हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर एक से इंक्रीज होगा। तो इतना सब हो जाने के बाद चले हम क्विकली हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मुझे आपको फिर से बतानी है। मैंने यहाँ पे स्विचेस के नेटवर्क को जो डिज़ाइन किया था उसके अंदर हर एक स्विच को मैंने दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे मुझे मैन्युअली हर एक कनेक्टेड पोर्ट को कन्वर्ट करना है ट्रंक के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्विचेस के जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक मोड पे काम करते हैं। डायनेमिक मोड का फ़ायदा क्या है? जब उसके साथ पीसी, लैपटॉप या फिर आप सर्वर कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेस बन जाएगा। जब आप किसी पोर्ट के साथ स्विच टू स्विच कनेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रंक बन जाएगा। लेकिन VTP को एस्टैब्लिश करने से पहले हमें मैनुअली सभी के सभी कनेक्टेड पोर्ट को ट्रंक में करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ। मैं यहाँ पे नासिक स्विच पे आ रहा हूँ, नासिक स्विच 01, यहाँ पे एनेबल। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ शो कमांड रन करेंगे, जैसे कि मेरी सबसे पहली शो कमांड है शो VLAN ब्रीफ। नाउ यू कैन सी, मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास कुल मिला के 5 VLAN से, VLAN नंबर 1 और VLAN नंबर 1002 से लेके VLAN नंबर 1005। उसमें से VLAN नंबर 1 जो है वो एक्टिव है और उसके अंदर कुल मिला के 24 पोर्ट्स आ चुके हैं। ओके, देन सेकंड जो कमांड रन करने वाला है वो मेरी VTP स्टेटस। सो शो VTP स्टेटस, ये कमांड मुझे बताएगी कि मेरा VTP से रिलेटेड स्टेटस क्या है। नाउ कैन सी, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मेरा फिलहाल यह कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है, जीरो। मैंने पहले भी कहा था जीरो मतलब क्या, ना ही वो किसी तरह की VLAN की इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज करने वाला है। सो जीरो मतलब क्या, इज इन आइडियल स्टेट। सेकंड, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये जो मेरा पर्टिकुलर स्विच है ये कुल मिला के 255 VLANs को सपोर्ट करेगा, जिसमें से अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग VLANs कितने हैं, 5। ये कैसे, डिफॉल्ट VLAN नंबर वन और ये रहे 1002 से लेके 1005 तक, तो कुल मिला के ये 5 VLANs हैं। इसका जो VTP ऑपरेशन मोड है वो कौन सा है, सर्वर मोड। सर्वर मोड मतलब वो मोड जहाँ पे आप VLANs बना भी सकते हो और VLAN डिलीट भी कर सकते हो, और ये किसी भी तरह के डोमेन के साथ कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, जो पर्टिकुलर पोर्ट मेरे इस स्विच 01 का किसी और स्विच के साथ कनेक्टेड है ना, यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उनको सबसे पहले ट्रंक में कन्वर्ट करना है। नाउ अब जैसे मैं कमांड रन करूँगा, एक बात आप ऑब्जर्व कीजिए, VLAN के डेटाबेस में ट्रंक पोर्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं आती। मतलब फिलहाल के लिए फास्ट ईथरनेट 0/1, फास्ट ईथरनेट 0/2 ये दोनों ही मेरे VTP के डेटाबेस में नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब मैं इन्हें कन्वर्ट करूँगा ना ट्रंक के अंदर, तो ट्रंक में कन्वर्ट करने के बाद इनकी इन्फॉर्मेशन इस डेटाबेस में नहीं आएगी। सो लेट्स सी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आ गए, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1 से लेके 2 तक। अब यहाँ पे मैंने एक कमांड यूज़ की है रेंज वाली, रेंज इसलिए क्योंकि मैं एट अ टाइम दो पर्टिकुलर पोर्ट को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने एंटर दिया मैं कॉन्फ इफ रेंज पे आ गया, यहाँ पे मुझे लिखना है स्विच पोर्ट मोड
ट्रंक, ट्रंक इसलिए क्योंकि वो कनेक्टेड है मेरे स्विच के साथ। ओके, कंट्रोल जेड करके बाहर आ गए। फिर से मैं शो वीलैन ब्रीफ ये कमांड रन करूँगा। नाउ यू कैन सी, मैंने पहले ही कहा था जैसे आप पर्टिकुलर पोर्ट को ट्रंक कन्वर्ट करोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन वीलैन के डेटाबेस से चले जाएगी। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी फास्ट इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट 0/2 नज़र नहीं आ रहा है। क्लियर, शो VTP स्टेटस करके अभी भी यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन रीजन नंबर 0 ही बता रहा है और ये डोमेन नेम नल बता रहा है। और ये होगा भी क्योंकि अब तक हमने किसी भी तरह का VTP डोमेन क्रिएट नहीं किया है। लेकिन क्रिएट करने से पहले मुझे बाकी बचे हर एक स्विच के ऊपर सेम कमांड रन करनी है। तो क्विकली मैं अपने स्विच 3 पे आ रहा हूँ। स्विच 3 के भी दो पोर्ट कनेक्टेड है तो यहाँ पे मुझे सेम कमांड रन करनी पड़ेगी। एनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 2 तक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, कंट्रोल जेड करके बाहर। अब मेरा स्विच 2 और स्विच 4 इसके सिर्फ एक एक पोर्ट ही कनेक्टेड है तो यहाँ पे मुझे कमांड में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो अपने स्विच 2 पे मैं कमांड रन करूँगा इंटरफेस, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस, यहाँ पे हम फास्ट इथरनेट लिखेंगे। रेंज से हम मल्टीपल पोर्ट्स को एक साथ ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल पोर्ट है उसकी वजह से मुझे यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट और 0/1 ये कमांड देनी पड़ेगी। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बचा है हमारा आखिरी वाला स्विच, इसे भी हम करेंगे जिसका भी सिर्फ एक ही पोर्ट कनेक्टेड है। तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। इतना हो जाने के बाद मुझे अब फिर से स्विच 1 पे आना है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर VTP को एक तरह का डोमेन नेम असाइन करना है ताकि वो VTP की इन्फॉर्मेशन बाईपास करना शुरू कर दे। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है VTP डोमेन। चलो इसे मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में दिखा दूंगा। VTP ये हमारा कमांड है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूँगा तो मुझे पता चला कि डोमेन मोड पासवर्ड और वर्जन। फिलहाल मेरा इंटरेस्ट है VTP डोमेन के अंदर जहाँ पे मैं अपने डोमेन का नाम देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने VTP डोमेन ये कमांड टाइप की। फिर से यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क देने के बाद मुझे पूछा जा रहा है कि आपके डोमेन का नाम इन द फॉर्म ऑफ ASCII लेटर। तो हमारे इस सिनेरियो के अंदर डोमेन का जो नाम है वो है cms.edu। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा cms.edu, एंटर। तो मेरे सामने मैसेज का आया चेंजिंग VTP डोमेन नेम null टू cms.edu, कंट्रोल जेड करके बाहर आ गया। शो VTP स्टेटस करके मैं चेक कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी मेरे डोमेन का नाम cms.edu आ चुका है। क्लियर, अभी भी कॉन्फ़िगरेशन रीजन नंबर मेरा क्या है, 0। ये तब तक 0 रहेगा जब तक मैं किसी तरह का VLAN क्रिएट ना करूँ। ओके, तो अब यहाँ पे मैं VLAN क्रिएट करने वाला हूँ। तो शो VLAN ब्रीफ करके उसका डेटाबेस पहले चेक कर लेंगे। यहाँ पे कुल मिला के सिर्फ 5 ही VLANs है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे गए VLAN, चलो हम VLAN को आईडी देंगे VLAN आईडी 10। उसका नाम हमें रखना है लैब ए, एग्जिट करके बाहर आ गए। कंट्रोल जेड, फिर से शो VLAN ब्रीफ करके चेक किया। नाउ यू कैन सी मेरे पास एक VLAN आ चुका है। अब जैसे मैंने पहले बताया था जब भी आप VLANs को क्रिएट करोगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन रीजन नंबर 2 से इंक्रीज होना चाहिए। हुआ क्या, यस, शुरू में ये कॉन्फ़िगरेशन रीजन नंबर 2 था, माफ कीजिए 0 था, लेकिन अब मुझे बता रहा है ये 2। इसका मतलब क्या, मैंने यहाँ पे एक VLAN बनाया होगा। ओके, कुल मिला के कितने VLANs है, VLANs 6 है और ये मेरा सर्वर मोड पे काम कर रहा है। नो, अब मैं जाऊंगा अपने स्विच 2 की तरफ। स्विच 2 पे देखा जाए कंट्रोल जेड शो VTP स्टेटस करके हम पहले चेक करेंगे। नाउ यू कैन सी मैंने जो डोमेन नेम सेट किया था ना वो सिर्फ स्विच 1 पे था लेकिन ये डोमेन नेम स्विच 2 पे भी आ गया। क्यों, क्योंकि उनके पर्टिकुलर पोर्ट्स को हमने ट्रंक किया था। तो जैसे हमने ट्रंक किया VTP की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होना शुरू हो गया और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन रीजन नंबर 2 बता रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे अगर मैं शो VLAN ब्रीफ ये कमांड टाइप करूँगा ना तो मुझे भी VLAN नंबर 10 नज़र आएगा। शो VTP स्टेटस करके मैं यहाँ पे फिर से चेक करूँगा। यू कैन सी, ओके, सो नाउ कैन सी मेरे पास कुल मिला के 6 VLANs आ रहे हैं। अब मान लो सिचुएशन कि आपने स्विच 1 पे कुछ VLANs बनाए, बाय डिफॉल्ट VTP ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के थ्रू वो सभी स्विचेस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन कोई आपका जूनियर
स्विच टू पे काम कर रहा है, उसने उस पर्टिकुलर स्विच का एक्सेस लिया और वहाँ पे शो वीलैन ब्रीफ ये कमांड रन की। उसे पता चला कि वीलैन नंबर 10 आ चुका है, जबकि उसे लगा कि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसने क्या किया, क्विकली कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाने के बाद वो जो वीलैन बना था ना, उसे कमांड देके कह दिया नो वीलैन 10। इसका मतलब क्या, उसने वीलैन नंबर 10 हटा दिया। अब जैसे वीलैन नंबर 10 हट गया तो शो वीलैन ब्रीफ के अंदर से उसका इन्फॉर्मेशन चली गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस कमांड रन करूँ, नाउ यू कैन सी मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन रीजन वर पहले 2 था, अब ये 1 हो गया। इसका मतलब क्या, जब भी आप वीलैन डिलीट करते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन रीजन नंबर 1 से इंक्रीज होगा। लेकिन देखा जाए तो ये जो नंबर है ये हाईएस्ट नंबर है, इसका मतलब क्या, लेटेस्ट अपडेट। आपने जो वीलैन नंबर बनाया था 10 स्विच 1 पे, वो वीलैन नंबर 10 स्विच 2 से डिलीट हो गया और उसका इम्पैक्ट आपके जितने भी स्विचेस है ना उन पे आ गया। तो मैं स्विच 1 पे फिर से आ गया, शो वीटीपी स्टेटस कमांड टाइप की, नाउ यू कैन सी मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन रीजन 3 आ चुका है। और शो वीलैन ब्रीफ करने के बाद यू कैन सी वीलैन 10 जो मैंने बनाया था स्विच 1 पे वो चला गया। आप इसे रोकना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके किसी एक स्विच को छोड़ के बाकी सभी के सभी स्विचेस को क्लाइंट मोड पे लेना पड़ेगा। तो देखा जाए तो स्विचेस के सभी मोड जो होते हैं ना वो सर्वो मोड पे ही सेट होते हैं। सर्वो मोड का फायदा ये होता है कि आप वीलैन बना भी सकते हो, वीलैन डिलीट भी कर सकते हो, ओके। लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर स्विच का मोड क्लाइंट कर दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्वर से आने वाली वीलैन की इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करेगा, किसी भी तरह के वीलैंस को वो डिलीट नहीं कर पाएगा। तो चले क्विकली से परफॉर्म करेंगे। मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर स्विच 01 को सर्वर पर रखने वाला हूँ और स्विच 2 और स्विच 4 को क्लाइंट पर रखने वाला हूँ। तो स्विच 2 पे आ गए, स्विच 4 का जो VTP मोड है वो सर्वर मोड है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे यहाँ पे स्विच पोर्ट VTP मोड क्लाइंट, ओके। नाउ सेटिंग VTP मोड टू द क्लाइंट आ चुका है, कंट्रोल जेड शो VTP स्टेटस से कंफर्म करेंगे यस इज इन क्लाइंट मोड। देन हमारा स्विच 4, इसको भी हम क्या करने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे VTP मोड क्लाइंट शो VTP स्टेटस। नाउ अब हम फिर से VLAN क्रिएट करेंगे हमारे स्विच 1 के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल VLAN नंबर चलो हम 20 नाम देंगे उसको, नेम होगा आपका लैब सी, कंट्रोल जेड करके बाहर आ गए। शो VTP स्टेटस, शुरू में ये नंबर 3 था, अब ये नंबर 2 से इंक्रीज हुआ, मतलब कॉन्फ़िगरेशन रीजन मेरा 5 आ चुका है और कुल मिला के मेरे पास 6 VLANs है। अब सेम सिचुएशन स्विच 2 पे देखेंगे, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन रीजन 3 बता रहा है, अब पैरो 5 आ चुका है, VLAN ब्रीफ करके देखेंगे VLAN नंबर 20 इज देयर, ओके। अब वही वो जूनियर, उसने क्या किया, VLAN नंबर 20 देखा, उसे लगा VLAN 20 की ज़रूरत नहीं थी, उसने कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पर गया, यहाँ पे उसने टाइप किया नो VLAN 20। लेकिन जैसे उसने एंटर दिया उसके सामने एक मैसेज आया, मैसेज कह रहा है VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट विल डू नॉट अलाउ व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड, मतलब जब आपका स्विचेस का मोड क्लाइंट होता है ना तब ना ही आप VLAN क्रिएट कर पाओगे ना ही VLAN आप डिलीट कर पाओगे, क्लियर। नाउ अब यहाँ पे और एक सिचुएशन आ रही है, आपका जो स्विच 1 स्विच 4 है ना उसके बीच में और एक स्विच आ रहा है जो कि आपका स्विच 3 है, और ये स्विच 3 आपके मैनेजमेंट आपके HRs या फिर आपके बॉसेस के लिए रिजर्व है। आप चाहते हो कि VLAN की इन्फॉर्मेशन उनके थ्रू तो जाए लेकिन किसी भी तरह का VLAN की इन्फॉर्मेशन उनमें अपडेट ना हो। तो मैं स्विच 3 पे आ रहा हूँ, स्विच 3 पे आने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे चेक किया शो VTP स्टेटस, तो मुझे पता चल रहा कि भाई ये भी सर्वो मोड पे और उसका cms.edu डोमेन नेम है और इसका कॉन्फ़िगरेशन रेंज मेरा 5 बता रहा है, मतलब जो VLAN मैंने स्विच 10-1 पे बनाया था ना वही VLAN मुझे स्विच 3 पे भी नज़र आएगा। सो शो VLAN ब्रीफ, जबकि मैं वो नहीं चाहता। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इस पर्टिकुलर स्विच को मुझे VTP मोड ट्रांसपोर्ट रखना पड़ेगा। तो शो VTP स्टेटस, फिलहाल ये मोड है सर्वर, अब हम यहाँ पर कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल VTP मोड ट्रांसपेरेंट। तो जैसे मैंने VTP मोड ट्रांसफ़र कर दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, शुरू में मेरा कॉन्फ़िगरेशन रीजन क्या था 5, अब यहाँ पे मगर फिर से ये कमांड रन करो ना
कंट्रोल जेड करके शो वीटीपी स्टेटस, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन रीजन नंबर क्या आ गया, जीरो, जबकि ये डोमेन का पार्ट भी है, इसका मोड ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मोड में वो स्विच अपने विलांस बना पाएगा। सो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल वीलैन नंबर 30 नेम लैब एफ कंट्रोल जेड शो वीलैन ब्रीफ। देखो इस पर्टिकुलर स्विच 3 ने अपने विलांस क्रिएट किए, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन रीजन वो बढ़ाएगा नहीं, अभी भी जीरो है। इसका मतलब क्या कि वो विलांस अपने में इंक्लूड नहीं होगा और ना ही वो अपने विलांस की इन्फॉर्मेशन किसी और की तरफ ट्रांसफ़र करेगा। ओके, आप चाहे तो इस पर्टिकुलर वीटीपी के अपडेट्स को सिक्योर भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी सर्वर स्विच है ना, उस सर्वर स्विच पे आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी और वो कमांड है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल वीटीपी पासवर्ड, जो हम रखेंगे cms@123, और यही पासवर्ड आपके सभी स्विचेस के ऊपर आपको सेट करना है, ताकि जब कभी भी वीटीपी की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो ना, तो वो पासवर्ड के थ्रू हो। तो मैं अपने सभी स्विचेस के ऊपर सेम पासवर्ड रखूँगा 123 कंट्रोल जेड, और बचा हमारा आखिरी वाला स्विच कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल वीटीपी पासवर्ड cms@123। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया वीटीपी होता क्या है, साथ ही साथ हमने देखा कि जब भी आप वीलांस क्रिएट करते हो तो वीलांस क्रिएट करते वक्त आपका कॉन्फ़िगरेशन रीजन नंबर 2 से इंक्रीज होगा। अब वीलांस डिलीट करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन रीजन नंबर आपका 1 से इंक्रीज होने वाला है। नाउ जब कभी आप वीटीपी के बात करते हो तो वीटीपी के अंदर आपको डोमेन नेम रखना पड़ेगा, जितने भी कनेक्टेड स्विचेस है उन सभी पोर्ट्स को आपको ट्रंक में करना पड़ेगा। सेकंड, जब आप स्विचेस की बात करते हो तो बाय डिफॉल्ट स्विचेस का जो मोड होता है वो सर्वर मोड होता है। सर्वर मोड पे आप विलांस क्रिएट भी कर पाओगे, विलांस डिलीट भी कर पाओगे, लेकिन आप चाहते हो कि आपका सिर्फ एक ही स्विच सर्वर बने और बाकी सभी के सभी स्विचेस क्लाइंट बने, तो आप उसे कमांड के थ्रू कर सकते हो। क्लाइंट मोड में होगा क्या, सर्वर से आने वाली इन्फॉर्मेशन स्विचेस अपने में अपडेट कर लेगा। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर की बात कर रहे हैं। आखिरी वाला जो मोड था आपका ट्रांसपेरेंट मोड, ट्रांसफर मोड से होता क्या, वो वीटीपी की इन्फॉर्मेशन से बाईपास करेगा, अपने वीलैन वो खुद मैनेज करने वाला है, ना ही वो अपने वीलैंस की इन्फॉर्मेशन किसी को देगा, ना ही किसी के वीलैन की इन्फॉर्मेशन अपने अंदर वो लेने वाला है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने, आने वाले वीडियोज़ के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।